हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज। एक और नया दिन एक और नई डिश के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ बनारस की फेमस मिठाई देसी घी के मगदल। ये दाल से बनते हैं इसलिए इन्हें मगदल कहते हैं और ये सर्दियों में ही बनते हैं और स्वाद में ये बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलिए आज की लाजवाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ मगदल बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी। तो मैंने 2/3 कप पिसी हुई उड़द की दाल ली है। अगर ग्राम में देखें तो ये 150 ग्राम है और मैंने इसे घर में बनाया है, आप चाहे तो मार्केट वाले भी ले सकते हैं। और 1/4 कप मैंने मूंग की पिसी हुई दाल ली है। अगर ग्राम में देखें तो ये 50 ग्राम है, मैंने इसे भी घर में बनाया है। तो टोटल मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम दाल लिए है और 1 कप शुगर पाउडर लिया है, इसे भी मैंने घर में बनाया है। और 1 कप मैंने होममेड देसी घी ली है। तो जितना दाल लेंगे उतना ही शुगर पाउडर और उतना ही हमें घी लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ इलायची पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए और गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई नट्स लिए हैं। तो चलिए हम मगदल बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी। घर में देसी घी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर आई बटन से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो घी मेल्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें पीसी हुई दाल ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दाल को एकदम लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम भूनेंगे। दाल को अभी तब तक भूनना है जब तक दाल जो येलोइश कलर का दिख रहा है वो पिंकिश हो जाएगा बिल्कुल, और घी और दाल बिल्कुल सेपरेट होने लगेंगे और एकदम भीनी सी खुशबू आने लगेगी इनमें से। तो इन्हें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, इसे छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं करना है। बहुत पेशेंस के साथ हमें इन्हें भूनना होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप में से बहुत लोगों ने मगदल का नाम भी नहीं सुना होगा, इवन खाया भी नहीं होगा, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये बनारस की मिठाई है और स्पेशली सर्दियों में ही मिलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर देखिए, अभी ये येलोइश था और येलोइश से ये बिल्कुल पिंकिश हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं फटाफट से फ्लेम ऑफ करके इसे किसी बड़े थाली या बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है तो फ्लेम ऑफ होने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलती रहते हैं। तो आप देखिए ये बिल्कुल ऑयल घी जो है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, दाल बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो मैं इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रखूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूंगी। तो देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये दाल जो है वो बिल्कुल जम गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शुगर पाउडर ऐड करूंगी और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो अब मैं इसे 15 से 20 मिनट हाथों से फेटूंगी जब तक ये बिल्कुल हल्के ना हो जाए, एकदम फ्लफी से हो जाए और इनका कलर वापस से जो है वो व्हाइटिश होने लगेगा। तो तब तक हम इसे फेटेंगे और ये थोड़ा सा मेहनत का काम है बट जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही औसम होता है। तो आप कोई चीज बनाते हो और वो सबको पसंद आ जाती है तो आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और फल बिल्कुल मीठा होगा। तो एक बार मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ, आप देखिए इसका कलर बिल्कुल व्हाइट होने लगा है। तो इस तरीके से बोल में मैं पानी लूंगी और थोड़ा सा मैं डालूंगी, अगर ये तैरता है तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। तो ये तैर रहा है मतलब ये बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डालूंगी, इससे जो मगदल का फ्लेवर है ना बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। बनारसी स्टाइल हलवाई वाले देसी घी के मगदल बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इन्हें पेड़े बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि इन्हें एक बार बनाइए और महीना दो महीना आराम से स्टोर करके रखिए, ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इन्हें ऊपर से गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप सब एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें मूंग दाल और उड़द दाल होते हैं। तो आज की ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।